अगर आपने मन से यीशु को अपना उद्धार करता मान लिया है, हाँ ऐसे मान लिया जैसे शद्रक मेशक अभेदनोंगों ने कहा, चाहे हे राजा तेरे उस जलते हुए पट्टे से हमें आज परमेश्वर बचाए चाहे ना बचाए, उनका विश्वास देखो, पर हम तेरी मूर्ति के आगे नहीं झुकेंगे। क्या झुकेंगे? हम तेरी बनाई हुई मूर्ति के आगे नहीं झुकेंगे, क्योंकि राजा की ओर से ये एक आज्ञा थी उस पूरे नगर के लोगों के लिए। अगर आज कोई ऐसी आज्ञा कोई इंडिया पंजाब में लोगों के लिए निकाली जाए, हाँ क्या कर दिया जाएगा? बलते हुए जलते हुए पट्टी बिच सुटा जाएगा जो इस मूर्ति के आगे नहीं झुकेंगे, हाँ जो झूठे हैं, हाँ जो सिर्फ अपने काम तक सीमित है, वो इनकार करेंगे और वो कहेंगे ठीक है जी, ठीक है हमने मरना नहीं है। यीशु मसीह ने कहा जो अपने प्राण को बचाएगा वो खोएगा, जो मेरे लिए खोएगा वो बचाएगा। कितनों का समझ आ रही है? अगर ऐसी आज्ञा आज निकल आए तो मुझे नहीं लगता कितने आज उस चीज को हाँ पूरा कर पाए। हाँ अगर ऐसी आज्ञा निकल जाए तो कितने लोग पार करेंगे? आज तो लोग छोटा सा कुछ काम ना हो, अगर प्रॉब्लम है सही ना हो तो वो मन खराब करेंगे, लो जी हमारे ऊपर ऐसा क्यों हो गया, हाँ ये क्यों क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, हमारा ये क्यों नुकसान हो रहा है, ये क्यों नुकसान हो रहा है, वो ये नहीं समझेंगे कि क्यों हो रहा है, क्या परमेश्वर मेरा नुकसान कर रहा है कि कौन कर रहा है? उसने तो तुम्हें बचाने के लिए अपना जीवन का बलिदान दे दिया है, उसने तन पर तुम्हारी चंगाई के लिए कोड़ों की मार उसने ली है, और वो क्या करे, हाँ वो कितना लज्जित हुआ, कितना बेसत किया गया तुम्हारे जीवन की आशीष के लिए, और क्या करें? पर तुम अभी भी कह रहे हो ये क्यों आया हालात, ये क्यों आया, ये क्यों ऐसा नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं हो रहा हमारा, और वो क्या करे आपके? पर कभी कभी परमेश्वर आपको देखता है आपका मन उसके लिए कैसा है, हाँ बोलो क्या है? कभी कभी वे देखता है परमेश्वर आपका सामर्थ्य। बाइबल कहती है ना तुझे तुम्हारा आंख कुछ बगाड़ पाएगी ना नदियां तुम्हें डबो सकेंगी अगर तुम्हारा विश्वास उसके ऊपर है। इसलिए शद्रक मेशक अबेदनगो को उस राजा की जो आंख थी उनका कुछ भी बगाड़ पाई, क्यों नहीं? क्योंकि वो मौत से नहीं डरे। हम तो छोटी छोटी चीज से डर जाते हैं, छोटी छोटी चीजों से मन खराब कर लेते हैं। वो तो उस मौत से भी नहीं डरे, वो तो बीमार भी नहीं थे, उन्हें तो यहां पे कोई तकलीफ भी नहीं थी, कोई रसौली भी नहीं थी, हाँ कि यहां हड्डी में घुटना मेरा खराब है, मेरा अंग सीधा नहीं हो रहा, वो तो भले चंगे थे, पर फिर भी अपने विश्वास में क्या नहीं हुए, अब्राहम के जैसे निर्बल नहीं हुए। ऐसे अब्राहम भी अपने विश्वास में लिखा अविश्वासी ना होकर उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, ना निर्बल हुआ ना कमजोर पड़ा। उसी तरह से शद्रक मेशक अबेदनगो ने भी किया, तो राजा से की बात से डरे नहीं। हाँ आज तो हम खत्म हो जाएंगे, चलो थोड़ी देर की बात है परमेश्वर, फिर हम तेरे हो जाएंगे, एक बार हम दंडवत कर लेते हैं, एक बार उसे उसके आगे झुक जाते हैं, फिर हम तेरे ही हैं, हम तुझे देंगे धन्यवाद, नहीं तो हम मर जाएंगे परमेश्वर, फिर कौन धन्यवाद करेगा तेरा। इसलिए बाइबल कहती है अपनी बुद्धि मत लगाओ। अगर वो वहां पे अपनी बुद्धि लगाते तो ना उन्हें स्वर्ग मिलता ना जीवन मिलता। हाँ ऐसे बुद्धि नहीं ना लगाई जिसे कुछ लगाते हो, चलो कोई बात नहीं परमेश्वर को पता ही है। उन्होंने ऐसा विश्वास नहीं किया, उन्हें पता था कि ये इस मूर्ति के आगे झुकना एक पाप है, तो ऐसा नहीं किया। नहीं किया तो बाइबल कहती है उन्होंने उनका विश्वास देखो, कहती है आज चाहे परमेश्वर को ऐसे राजा को कहा कि आज चाहे परमेश्वर हमारा राजा को कहा तेरे जलते हुए पट्टे से वो बचाए चाहे ना बचाए, हम तुम्हारी मूर्ति के आगे नहीं झुकेंगे,
पर हम जानते हैं वो बचाने की क्या रखता है, सामर्थ्य, शक्ति रखता है। तो बचाए गए कि मारे गए, वो बचाए गए कि मारे गए, बोलो हाँ, बचाए गए कि मारे गए, तुम बचाए गए हो कि नहीं बचाए गए हो, हाँ। रोमियो 10:9 का वचन क्या कहता है, यदि तू मन से विश्वास करें, मुंह से अंगीकार करे और मन से हृदय से विश्वास करे तो तू बचाया जा चुका है, हाँ, तू बचाया जा चुका है। शैतान का किसी भी चीज का तेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, बस अब उस विश्वास के नियम को अपने अपने जीवन पर पूरा करना है। बोलो क्या करना है, अब उस विश्वास, उस पवित्र नियम को अपने अपने जीवन से, मैंने कहा पूरा करना है, करके देखो। जब तक हम करके नहीं देखेंगे हमें कैसे पता चलेगा, हाँ, क्योंकि हर चीज करने से पता चलता है। तो करके देखो, क्योंकि हर चीज को जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे रिजल्ट का कैसे पता।